आज हम देखेंगे कि पानी से विद्युत कैसे बनाया जाता है और पानी से टरबाइन कैसे घुमाए जाते हैं और कैसे जनरेटर काम करता है, सब कुछ देखेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये हमारा डैम होता है। सबसे पहले डैम बनाया जाता है, फिर डैम से पानी टरबाइन में लाया जाता है। ये हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन से सॉफ्ट के द्वारा जनरेटर जुड़ा हुआ होता है। ये जनरेटर है और ये जनरेटर का एक्सीट्यूएट उत्तेजक जिसे कहते हैं, यहाँ से डैम से पानी छोड़ते हैं और फिर ये एक छन्नक लगा रहता है जिससे कचरा इधर ना जाए और पानी इस डैम से नली के द्वारा हो तो ये टरबाइन में गिरता है और टरबाइन जोरों से घूमता है। टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन का शॉफ्ट और जनरेटर का शॉफ्ट दोनों साथ में जुड़े रहते हैं, इसलिए जनरेटर की शॉफ्ट घूमता है। जब जनरेटर का शॉफ्ट घूमते हैं तो इससे बिजली उत्पन्न होती है और बिजली उत्पन्न होती है इसे फिर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लेके जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 11 kV जनरेटर से 11 kV से जो बिजली उत्पन्न होती है इसे हम 132 kV में कन्वर्ट करते हैं और फिर ट्रांसमिशन लाइन से बस बार द्वारा आगे भेज देते हैं। अब इस पे कुछ देखना पड़ता है कि ये कार्य कैसे करेगा। ये पेन स्टॉक होते हैं, जब यहाँ से हाई प्रेशर से पानी आता है तो ये पेन स्टॉक का कार्य होता है कि इस हाई प्रेशर पानी को टरबाइन पे गिराए, और यदि टरबाइन धोखे से यदि कभी जाम हो गया तो जब प्रेशर वापस जाता है तो ये पेन स्टॉक उससे इस पाइपलाइन को फटने से रोकते हैं। और ये होता है हमारा वाल्व कि हमें कितने प्रेशर में पानी भेजना है। यदि हमें कम प्रेशर में पानी भेजना है तो ये वाल्व कम दबाव से पानी को आगे बढ़ाता है। ये वाल्व इस तरह एडजस्ट रहता है कि ये टरबाइन पर निर्भर करता है कि टरबाइन किस गति किस स्पीड से घूम रहा है। इसकी स्पीड यदि अधिक होगी तो वाल्व का दाब कम होगा और इसकी स्पीड यदि कम होगी तो वाल्व का दाब अधिक होगा। और ये होता है हमारा हिलोल टैंक। यदि हमें यहाँ से पानी रोकना है और इधर से जो पानी आ रहा है तो यहाँ से रोक दे तो हिलोल टैंक से पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर जो हमारा वेस्ट पानी होता है इसे हम नहर के द्वारा कृषि योग या अन्य कार्यों के लिए बहा देते हैं। तो ये था हमारा आज का कि हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्किंग करता है। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।